हेलो, मैं शोभा सिंह। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्र स्पेशल में आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। अच्छा, साबूदाने खिचड़ी के लिए हमें चाहिए एक बाउल साबूदाना, इस तरीके से छोटे वाले, ये तलने वाले नहीं है, ये छोटे वाले साबूदाना है, और आधा बाउल मूँगफली के दाने, और चाहिए 3 से 4 आलू। छौंक के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून है ये सौंफ, 1 टेबल स्पून हमें सॉरी 1 टेबल स्पून सरसों के दाने, और 1 हाफ टेबल स्पून चाहिए हमें नमक, 1/2 टेबल स्पून हमें चाहिए हल्दी, और ये जो हमने चीनी है ये बहुत कम मात्रा में ली है, 1/2 टीस्पून है, ज़्यादा चीनी आपको यूज़ नहीं लेनी है, 1/2 टीस्पून ही काफ़ी है हमारे लिए, और हम चाहिए 1 नींबू और थोड़े से करी पत्ते, ये हैं 8 से 10 हरी मिर्चें, और 1 अदरक का टुकड़ा। अदरक के स्वाद के लिए और हेल्थ के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है, व्रत में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और चाहिए हमें थोड़ा सा तेल, सरसों या रिफाइंड तेल जो भी आप यूज़ लेते हैं छौंक के लिए। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो हमने एक बाउल छोटा बाउल साबूदाना है इसे 5 से 6 घंटे पानी में भिगा दें, अच्छे से धो के, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मतलब इतना लेवल होना चाहिए पानी का, उससे क्या साबूदाना अच्छे से भीग जाएंगे। ये देखिए हमने 5 से 6 घंटे पहले साबूदाना भिगा रखा था, ये है भीग के इस तरीके से हो जाएगा, देखिए खिले खिले हो गए। कढ़ाई में ये जो मूँगफली के दाने हैं बिगड़ तेल के हमें इन्हें चेक कर लेना है। मूँगफली के दाने हैं अभी के, थोड़ी कढ़ाई गर्म है, थोड़ी अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा, मूंगफली के दाने हम जब चलाते रहेंगे इसमें हल्की सी चट-चट की आवाज़ आने लगेगी, तब आप समझिए हमारे मूंगफली के दाने अच्छे से सिक चुके हैं। इन्हें तेल में नहीं तलना है क्योंकि हमें इस तरीके से फ्राई करके इनके छिलके निकालने हैं अलग। ये देखिए ये मूंगफली दाने अच्छे से सिक गए हैं, ज़्यादा कलर भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो मूंगफली दाने मुँह में खाते टाइम कड़वे लगेंगे, ऐसे होना चाहिए। अब इन्हें हम क्या करते हैं, गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जो आलू है हमें फ्रेश आलू इस तरीके से ले लें आप इन्हें। अब इन्हें क्या करना है, हमें आराम से छील लेते हैं सारे आलू को। कई लोग क्या बॉयल आलू भी डालते हैं तो उससे क्या जो खिचड़ी का स्वाद है एकदम चेंज हो जाता है। हम क्या करेंगे, कच्चे आलू को इस तरीके से छील के छोटे छोटे पीस कर लेंगे इन्हें। ये देखिए आलू इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लें आप, ज़्यादा बड़े नहीं, इस तरीके से होने चाहिए। अब इसे क्या करते हैं, हम साइड रखते हैं, तब तक हमारी जो मूंगफली है वो ठंडी हो चुकी है। अब इसे इस तरीके से मसल के इसे छिलके हटाना है, नमी हल्के हाथों से इस तरीके से करेंगे, इनके छिलके अलग हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, छिलकों को आराम से बिल्कुल अलग निकाल देते हैं। जो हम लोग पूड़ी वगैरह तलते हैं इस तरह के झर होगी आपके पास, इससे क्या आसानी से निकल जाते छिलके, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। अच्छा, ये जो मूंगफली के दाने हैं ना, कई लोग कहते हैं कि मिक्सी में ग्राइंड कर लें, पर क्या वो टेस्ट नहीं आता, उसमें तो थोड़ा ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। मूंगफली के दाने थोड़े बड़े टुकड़े में हों तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, जो हमारे अदरक कूटने वाला इमामदस्ता है उसमें अच्छे से कर लेते हैं, इनको कूट लेते हैं। इसके नीचे हम एक थोड़ा कपड़ा लगा देते हैं। अब ये हल्के हाथों से इन्हें करना है, खाते टाइम के छोटे छोटे टुकड़े अपने मुंह में आते हैं तो खाने में टेस्ट और अच्छा लगता है। एक इस तरीके से पहले तो क्या लोग पर हाथ से सब चीज़ कूट के मसाला पीस के बनाते थे, पर आजकल मिक्सी हो गया तो उसका थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो गया है। तो आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं इस बार साबूदाने की खिचड़ी, तो बहुत पसंद आएगी सबको। इसे हम क्या करते हैं, साइड में जिसमें हमने आलू काट के रखे हैं इसके साइड में डालते हैं। यदि थोड़े ज़्यादा दाने होंगे बड़े तो हम इन्हें क्या वापस दोबारा इमामदस्ते में कूट लेते हैं। मिक्सी में चलाएंगे तो क्या एक साथ थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड हो जाता है, वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता। आप इस तरीके से इमामदस्ते में थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी लगेगी, पर खाने का स्वाद एकदम डबल हो जाएगा। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, करी पत्ता हमने इस तरीके से तोड़ लिए हैं, हरी मिर्च को छोटे छोटे काट लें आप, और ये जो अदरक का टुकड़ा था 1 इंच का इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या इसको छौंकने की तैयारी शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना तेल काफ़ी है,
क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी है तो तेल थोड़ा ठीक हो, एकदम कम भी नहीं हो और ज़्यादा भी ना हो, ये आप ध्यान रखें थोड़ा। या व्रत में आप सरसों तेल यूज़ नहीं लेना चाहते, रिफाइंड तेल यूज़ लें, या फिर मूंगफली का हो वो यूज़ ले लें। यदि सरसों का तेल में बनाए आप उसको क्या करें, थोड़ा बीच में इस तरीके से चला दें, इससे क्या कहते हैं ना कि तेल की स्मेल होती है वो बिल्कुल हट जाएगी इससे। साबूदाने की खिचड़ी जब आप बनाएं, या तो नॉन स्टिक का कोई बर्तन हो आपके पास, यदि वो ना हो तो थोड़ा भारी तली वाली जो कढ़ाई होती है ना उसको आप यूज़ में लें, उससे क्या साबूदाना नीचे चिपकेगा नहीं। यदि पतली तली का बर्तन लेंगे आप तो उससे क्या साबूदाना नीचे चिपक जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या डालना है, ये सरसों के दाने डाल देते हैं, फिर डालते हैं सौंफ। जैसे हल्की सी चट चट की आवाज़ आएगी आपको, अब आपको क्या करना है, कटी हुई हरी मिर्च और ये जो अदरक है हमने ग्रेट करके रखी है, अदरक डाल देते हैं। दो से तीन मिनट बस आपको इस तरीके से थोड़ा फ्राई करना है। अब जो हमने आलू काट के रखे हैं इसको डाल देते हैं। आलू में क्या है, आपको अलग से तलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस को स्लो कर दें आप, इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकने दें। अभी इसमें नमक हल्दी हमने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ आलू डाल के ढक देते हैं इसे। अब इसे क्या करना है, ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने देना है। अब आप क्या करें, ढक्कन को बीच बीच में हटा के इस तरीके से चलाते रहें। ये देखिए आलू है ना हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, एक बार इस तरीके से आप मसल के और देख लें। देखिए आलू हमारे बिल्कुल गल गए हैं। ये जो हमारे भीगे हुए साबूदाने हैं इसको इसमें ऐड कर देते हैं, साथ में हमें ये जो सेंधा नमक है इसको डाल देना है, हल्दी पाउडर है इसे भी हम ऐड कर देते हैं। ये जो हमने थोड़ी सी चीनी रखी थी बस नींबू को छोड़ के सारी चीज़ें हमें डाल देना है इसमें, और इसे हम क्या ऊपर नीचे अच्छे से चलाते हैं। इससे क्या नमक चीनी हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए साबूदाने बिल्कुल खिले खिले हैं। यदि साबूदाना थोड़े अच्छे से भीगे होंगे तो आपको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो हमने मूंगफली के दाने इमाम दस्ते में कूट के रखे थे अब इनको ऐड कर देना है इसमें, वापस इसको अच्छे से चलाते हैं पानी से, इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि यदि आपने पानी डाल दिया तो फिर साबूदाना एकदम लिबलिबे हो जाएंगे, बीच में लेसा छोड़ने लगेगा, तो आपको पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि ड्राई है तो आप गैस को बिल्कुल स्लो कर दें और ढक्कन डाल दें, उससे क्या जो इसकी भाप बनेगी उससे ही आराम से गल जाएंगे। अब इसे हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। बीच में एक दो बार क्या है चलाते रहें आप, इसे तो ऊपर नीचे करने से तो साबूदाना अच्छे से गल जाएगा। वापस हमें फिर इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के पकने देना है। अब हम क्या करें, तो नींबू एक रखा था हमने उसका ये रस हमने निकाल लिया है, इसको सबसे एंड में, तो नींबू का रस है उसे हमें सबसे एंड में डालना है, पहले नहीं। अब इसे वापस हम ऊपर नीचे अच्छे से चला देते हैं। ये साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। आपको यदि हरी धनिया पसंद है तो आप वो भी ऊपर से डाल सकते हैं। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इस बार आप नवरात्रि में बना के देखिए, बहुत टेस्टी है साबूदाने की खिचड़ी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।